हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है, अगर वह आपसे प्यार करते हैं तो जताते क्यों नहीं। आपके पार्टनर, आपके पर्सन, इफ दे आर एक्चुअली इन लव विद यू, व्हाई दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट और व्हाई दे आर नॉट कन्फेसिंग इट, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर आप ये रीडिंग सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट, ओके। रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे ये आपके साथ सभी रेजोनेट करेगा। आइए चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये कार्ड पॉप आउट हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट कार्ड। अगर वह आपसे प्यार करते हैं तो जताते क्यों नहीं। ब्यूटिफुल, द फ्रेंडलीनेस, फाइटिंग, ओके। तो व्यूअर्स, ये कार्ड है अवेयरनेस का, आउटसाइडर, फ्रेंडलीनेस एंड फाइटिंग, ओके। सबसे पहली चीज व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो इंसान है, ये अगर आपसे प्यार करते हैं तो जताते इसीलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक आउटसाइडर जैसा अब आप ट्रीट कर रहे हो, या इन्हें अब एक आउटसाइडर की तरह अपने आप ही फील हो रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच इतने डिफरेंसेस या इतने गैप आ गया है, या इतना कम्युनिकेशन गैप आ गया है कि इस इंसान को लगता है कि शायद ये आपके क्लोज नहीं है, आपसे काफ़ी दूर है। हो सकता है व्यूअर्स कि आप भी इनके काफ़ी सारी चीज़ों से फेडअप हो चुके हैं, ये कहीं ना कहीं वेट कर करके फेडअप हो चुके हैं, ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस कर करके आप थक चुके हैं, नाउ यू आर टायर्ड। तो अब आप अपने दिल के दरवाजे बंद कर रहे हैं, या आपने ऑलमोस्ट अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं। तो इस इंसान को भी वो चीज़ फील होती है कि अब आपने ना अपने दिल को लॉक कर लिया है और इनको बाहर निकाल दिया है। तो इस वजह से इनको एक आउटसाइडर की तरह फील होता है कि बस ये दूर से आपकी लाइफ को देख पा रहे हैं, दूर से आपकी लाइफ के बारे में जान पा रहे हैं, लेकिन पास से आपको आके नहीं समझ पा रहे हैं। दे आर नॉट फीलिंग क्लोज टू यू, उन्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि वो आपके बहुत क्लोज अब हैं। उनको लग रहा है कि अब आपने उन्हें बहुत दूर कर दिया है, कहीं बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है उनके साथ, या उनको जैसे कहते हैं ना, एक पराया इंसान बना दिया है, एक स्ट्रेंजर बना दिया है। तो उस टाइप की फीलिंग उन्हें महसूस हो रही है और उनको लगता है कि क्योंकि आप उन्हें अपनी लाइफ में, अपने एरिया में, अपने प्राइवेट पर्सनल जोन में एंट्री नहीं दे रहे हो, इस वजह से वो एक स्ट्रेंजर जैसा, एक आउटसाइडर जैसा फील कर रहे हैं आपके लाइफ में ही, या आपके वजह से ही। तो उनको लगता है कि क्योंकि अगर आप उनको अलाउ करेंगे तो वो आपके कुछ क्लोज आ पाएंगे, लेकिन अब आपने उनको अलाउ ही नहीं किया है। हो सकता है व्यूअर्स कि आपने अलाउ किया है, नहीं किया है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको किसी ने उनके किंगडम से बाहर निकाल दिया, और उनके किंगडम से क्या, उनको किंगडम से बाहर निकाल दिया गया है। राजा और रानी, जो भी आपको वो मान रहे हैं, जो भी आप जिस भी एनर्जी में हैं, तो किंग ने और क्वीन ने उन्हें जैसे किंगडम से बाहर निकाल दिया और दरवाजे बंद कर लिए, और जैसे उन्हें बस बाहर खड़े होके इंतज़ार करना पड़ रहा है कि कब अलाउ करोगे आप मेरी एंट्री, कब मुझे वापस अपने पास बुलाओगे, या कब मुझे वापस आने का चांस दोगे, और वो उसी चांस का वेट कर रहे हैं और दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर इस तरीके की चीज दर्शा रहे हैं कि ये इंसान प्यार तो करते हैं व्यूअर्स, लेकिन नहीं जता पा रहे, बिकॉज देयर इज द बैरियर। यहाँ पे एक ब्लॉकेज है, यहाँ पर एक बैरियर है, जिसमें साफ साफ दिखता है कि दिल के दरवाजे जैसे बंद कर लिए गए हैं और उनको बाहर निकाल दिया गया है। तो अब अगर वो एक आउटसाइडर की पोजिशन में है तो वो किस हक से क्या जताएंगे, यू नो, वो अपना वो राइट फील नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो उतना क्लोज फील नहीं कर रहे हैं कि जैसे अगर वो कॉन्फिडेंस से कह पाए कि मैं इस इंसान के सबसे ज़्यादा करीब हूँ, या मैं इस इंसान के सबसे ज़्यादा यू नो क्लोज हूँ, वो चीज़ वो नहीं कॉन्फिडेंस से कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन में वो अब है, उनको लग रहा है कि जैसे उनका राइट नहीं है, वो उतना अधिकार, उतना हक जितना पहले फील कर पा रहे थे, उतना अधिकार अब वो फील नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि आपने उनसे वो हक छीन लिया है, और आप शायद कहना चाहते हैं कि आपने वो हक खुद ही खो दिया है, ओके? तो आप ये शायद कहना चाह रहे हैं, या आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपने मुझे अपना बुलाने का, अपना कहने का, या अपना समझ के कुछ कहने का हक, अधिकार आपने खुद खो दिया है।
मैंने आपसे नहीं छीना है। वहीं पर इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऐसा है कि आपने वो इनसे हक व अधिकार छीन लिए हैं। या यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई दिन बीत जाता होगा ये इंसान आपको स्टॉक नहीं करते होंगे, ये आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखने की कोशिश करते हैं, चाहे कॉमन फ्रेंड्स हैं आप लोगों के, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहकर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं, आपके बारे में पता करते रहते हैं, किससे बात कर रहे हो आप, कहाँ आते जाते हो, क्या करते हो, आजकल क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। दे हैव ऑल दी इन्फॉर्मेशन। और चाहे ये भी हो सकता है सोशल मीडिया से स्टॉक करते हैं या खुद किसी के अकाउंट से स्टॉक करते हैं, बट दे हैव देयर आइज ऑन यू। या और ये जो स्टॉकिंग हो रही है ये छुप के हो रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कोई कर्टन के पीछे है लेकिन दिख नहीं रहा है, पर्दे के पीछे कोई खड़ा होकर झांक रहा है लेकिन उसका फेस क्लियरली विजिबल नहीं है। तो ये आपको स्टॉक तो कर रहे हैं लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं है कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। इतना इंटेंस स्टॉकिंग चल रही है कि बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रखते हैं, ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं है या आप तक तो बिल्कुल नहीं पहुंची है। यस, तो छुप छुप के आपको देख रहे हैं, सामने आने का आप कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके सामने आने की अब हिम्मत नहीं है, छुप छुप के आपको देख रहे हैं। तो जब सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, सामने आने का जो करेज है, जो स्ट्रेंथ है, जब वो नहीं है तो कैसे वो अपना प्यार जताएं खुल के। उनकी व्यवस्था और उनकी कंडीशन को उनके पर्सपेक्टिव से देखिए कि जब वो छुप छुप के आपको देख रहे हैं और ये भी मेक श्योर कर रहे हैं किसी को पता ना चले, ओके, तो उसमें वो अपना प्यार कैसे जताएं, कितना हेल्पलेस फील करेंगे वो, कितना ज़्यादा हेल्पलेस और कितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे वो अगर ऐसी सिचुएशन में उन्हें प्यार जताना चाहिए भी या जताने की इच्छा भी है प्यार, तो वो कैसे जता पाएंगे। जब वो देख तो आपको छुप छुप के रहे हैं तो प्यार जताने की हिम्मत कहाँ से आएगी जब वो आपको फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। या हो सकता है व्यूअर्स इस इंसान ने आपको बहुत दुख दे दिए हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इमोशनली टायर्ड कर दिया है इस इंसान ने आपको, थका दिया है मेंटली आपको बहुत ज्यादा। आपने इस इंसान के पीछे बहुत ज्यादा सोच विचार कर करके एक ओवर थिंकिंग की आदत, एक पैनिक होने की आदत, एक स्ट्रेस की आदत ऑलरेडी डाल ली है, जिस वजह से अब आप इनको और ज़्यादा अपने पास नहीं आने देते, क्योंकि लगता है आपको कि ये जितना करीब आएगा ये इंसान मेरी एंजाइटी बढ़ेगी, मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा, ये इंसान मुझे सुकून नहीं दे रहा है, ये मुझे एंग्शियस बना रहा है, ये आपका डर है, आपकी बातें हैं ये, जिस वजह से आप इन्हें कितना भी चाह रहे हो आप डिस्टेंस मेंटेन करना प्रेफर करते हैं फिर भी। यस, तो व्यूअर्स ये भी एक कारण हो सकता है कि ये प्यार करते तो हैं लेकिन इसलिए जता नहीं पाते हैं, करेज नहीं है, और वो भी एक स्ट्रेंजर और आउटसाइडर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, ऐसा उनको लगता है कि उनको जैसे बाहर निकाला गया हो कहीं से। साथ ही साथ यहाँ फ्रेंडलीनेस और फाइटिंग का भी कार्ड है व्यूअर्स। ये जो कार्ड है ना फ्रेंडलीनेस का, ये दो कलर के जो पेड़ हैं ये आपस में मिक्स होकर एक न्यू कलर क्रिएट कर रहे हैं विच इज़ द ऑरेंज कलर। सो दिस कलर इज़ द पिंक एंड द येलो एंड हेयर इन बिटवीन इट इज़ द ऑरेंज कलर विच इज़ द आउटकम। और ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, यानी कि इतना एक दूसरे के साथ डीप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाना, एक दूसरे के साथ इतना डीप रिश्ता होना, इतना डीप रूटेड कनेक्शन हो जाना कि वो कनेक्शन अनब्रेकेबल हो जाए। जैसे किसी के साथ इतनी इंटेंस दोस्ती होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग डीप फ्रेंडशिप होती है कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता, फिर चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए वो दोस्ती वो रिश्ता नहीं टूट सकता। कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो ऐसा फील करते हैं आपके लिए कि चाहे कितना भी आप इनको अपने आप से दूर करो या कितना भी कहीं ना कहीं कितना भी डिस्टेंस आ जाए, कैसा भी आप इनको ट्रीट करो, लेकिन जो आप लोगों के बीच का डीप कनेक्शन है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसा वो फील करते हैं। और वो चाहते हैं कि वो ऐसा कनेक्शन आपके साथ बनाए, एक अनब्रेकेबल डीप कनेक्शन वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। अगर अब तक ऐसा कनेक्शन बन नहीं पाया है तो वो उस लेवल का कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं जो अनब्रेकेबल है, जिसमें ब्लाइंड ट्रस्ट है, अनब्रेकेबल कनेक्शन है और बहुत डीप है, जिसमें बॉन्ड जो है वो इतना गहरा है कि एक दूसरे के बारे में हम सब जानते हैं, हम एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में सब जानते हैं, हम एक दूसरे को एक दूसरे से ज़्यादा जानते हैं, जैसे वो आपको आपसे ज़्यादा और आप उन्हें उनसे ज़्यादा जान पाएं, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके साथ बनाने की इच्छा रखते हैं।
तो ये उनका इंटेंशन है, ये उनका डिजायर भी है, ऐसी उनकी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर फाइटिंग विद द चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ फाइटिंग का कार्ड आया है. इफ यू कैन सी, ये जो रिश्ता जो है इस तरह का, इस लेवल का जो होना चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए अभी उन्हें काफी सारी टफ फाइट देनी पड़ रही है. ये फाइट दूसरे लोगों से हो सकती है, दूसरे विचारों से या खुद के विचारों से हो सकती है, या तो ये कुछ ऐसे हर्डल्स हैं जो लोग क्रिएट करते हैं इनकी लाइफ में, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों ने क्रिएट कर दी हैं और इनको टफ फाइट देकर धीरे धीरे चैलेंजेस को फेस करके आगे निकलना पड़ रहा है, या फिर हो सकता है ये इनके खुद के विचार हैं. या फिर हो सकता है व्यूअर्स कि ये इनके खुद के विचार हैं जो इनको रोकते हैं आगे बढ़ने से, जो कहीं ना कहीं इनको उलझन में फंसा के रखते हैं. क्योंकि ऐसा नहीं है ना सिर्फ आप ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो इनको रोकती है. तो इनकी जो थॉट प्रोसेस है, इनकी जो ओवर थिंकिंग की आदत है, वो इनको भी कहीं ना कहीं बहुत सारे विचारों में उलझा के रख देती है. तो अगर ये कभी भी एक्शन लेना चाहते हैं, कभी भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, इनके मन में भी ये बात आ जाती है कि अरे अगर इसका आउटकम ऐसा नहीं हुआ तो, मैंने ऐसा बोला और इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो, मैंने ऐसा किया तो वैसा हो गया, तो मैंने वैसा किया तो ऐसा हो गया, तो कहीं ना कहीं पहले से ही सिचुएशन को, एक सिनेरियो को अपने दिमाग में क्रिएट करना, एक फेक सिनेरियो को अपने दिमाग में क्रिएट करना और फिर उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस से डरना और इस वजह से कोई एक्शन लेना ही नहीं. तो अपने दिमाग से जो इंसान लड़ रहा है कि मेरा दिल कुछ कह रहा है, मेरा दिमाग कुछ कह रहा है, उसी बीच में जो इंसान उलझ रहा है वो किसकी सुने? दिल की सुने, दिमाग की सुने, इस बीच फंस गया. दूसरा, जो इंसान अपने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को टफ फाइट दे रहा है जो दूसरे लोग उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे फैमिली है, सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, फेक वेल विशर्स हैं, ऐसे लोगों से टफ फाइट कर रहा है अगर, तो वो उसके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि अभी वो कुछ, जस्ट अभी कुछ कर दे, अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है उसके अंदर. ये ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स कि इनकी ये जो लड़ाई है ये सिर्फ सिचुएशंस से है, कि परिस्थितियां हैं, मैं इन परिस्थितियों को टैकल कर रही हूँ और बस करते ही जा रहा हूँ. तो ये इन सब चीज़ों की वजह से व्यूअर्स, काफ़ी सारे रीज़न है ये, इन सब चीज़ों की वजह से ये जो इंसान है व्यूअर्स, ये आपको उस तरह से कहीं ना कहीं ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, या वो सब आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जो आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, कि ये इंसान अगर प्यार करता है तो क्यों नहीं करता. आइए चलिए और क्लैरिफाई करते हैं इस रीडिंग को. देख लीजिए, फैमिली इश्यूज का कार्ड आ गया. जैसा ही मैं कह रही थी कि इनकी लाइफ में और लोगों की वजह से भी जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो वहां पर भी इनको टफ फाइट देनी पड़ती है. और यहाँ पर फैमिली नजर भी आ रही है, मैसेज भी लिखा हुआ है, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, और मैसेज है हील फैमिली इश्यूज और हीलिंग फैमिली इश्यूज. तो कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज हैं जो बीच में आते हैं और इनकी लव लाइफ को अफेक्ट करते हैं. इस वजह से ये इंसान टफ फाइट कर रहा है अपनी सिचुएशन से. मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग दी स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक. कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो एफर्ट अभी भी आपके लिए लेंगे और गिव अप नहीं करेंगे. दे विल स्टिल टेक एफर्ट, दे विल स्टिल ट्राई देयर बेस्ट एंड दे विल नॉट गिव अप. ये क्विट नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनका प्यार इतना सच्चा है, इतना जेन्युइन है, इतना रियल है कि उसके लिए तो स्टेप्स लेने ही चाहिए. अगर कोई टेम्परेरी कनेक्शन की, कैजुअल कनेक्शन की बात होती तो शायद वो इतना बड़ा इतना बड़ा जो टेंशन है वो सर पे लेके नहीं घूमते कि फैमिली से टफ फाइट, अपनी सिचुएशंस में स्ट्रगल, अगर इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता हो. लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि ये प्यार उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हो चुका है, ये रिश्ता उनके लिए बहुत प्रीशियस, आप इनके लिए बहुत प्रीशियस हो चुके हो, इसीलिए मेक द एफर्ट. वो आपके लिए अभी एफर्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारा क्वेश्चन है कि अगर प्यार करते हैं तो जताते क्यों नहीं, तो अगर अभी नहीं जता रहे हैं, लेटर दे विल टेक स्टेप और दे विल टेक एफर्ट फॉर यू. और ऐसा भी लगता है दे वॉन्ट टू हग यू, दे वॉन्ट टू किस यू, दे वॉन्ट टू कम्फर्ट यू. अगर आपको उन्होंने थोड़ा भी दुख दिया है, थोड़ा भी सताया है, तो अब वो आपको ढेर सारा प्यार देकर आपको वो खुशी देना चाहते हैं. चलिए एक कार्ड और लेते हैं.
लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। देखिए आप दोनों कार्ड्स में ये चीज देख सकते हैं, इन दोनों कार्ड्स में ना व्यूअर्स आपको फैमिली नजर आएगी। You will be able to see family here or family there, और इस कार्ड का मैसेज भी है let go of control issues, allow the situation to unfold naturally। सिचुएशन नेचुरली जैसी हो रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसे जाने दिया जाए, लेकिन कंट्रोल इश्यूज हैं यहाँ पर, किसकी तरफ से, द फैमिली। कहीं ना कहीं फैमिली यहाँ पर एक मेजर रीजन के रूप में निकल कर आ रही है, क्योंकि फैमिली सिचुएशन को इतना कंट्रोल कर रही है, इनको इनके माइंड को इतना कंट्रोल कर रही है कि सिचुएशन को नेचुरली जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होने दे रहे हैं, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करने देना चाह रहे हैं, जबकि सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने देना चाहिए। ओके, तो ये सारे कारण है व्यूअर्स, स्पेशली द फैमिली रीजन निकल कर आया है, और आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग में थोड़ा भी आपको गाइड किया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने परसेंट रेजोनेट करती है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और व्यूअर्स वीडियो को लाइक करना जरूरी है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ही ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंच पाएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएगा अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे। तो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है वीडियो तो लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फैमिली, टेक केयर।